देश में योगी सरकार महिलाओं पर खास फोकस करती आई है, इसके लिए सरकार कई नई नई योजनाओं को भी लाती रहती है। आइए हम आपको बताते हैं कि बजट में महिलाओं के लिए इस बार क्या खास रहा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना पहला आम बजट पेश कर दिया। अपने बजट में प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुविधा व सम्मान का खास ख्याल रखा है। बजट के दौरान महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। इस बजट में योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया और पुरानी चल रही योजनाओं का दायरा भी बढ़ाया गया। बजट में सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को दुगना कर दिया। वहीं महिलाओं के लिए पीएससी में 3 नई बटालियन बनाने का भी ऐलान किया। आइए आपको बताते हैं बजट में महिलाओं को क्या क्या मिला। राज्य के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क, 1535 थानों पर महिला पीठ सिपाही नियुक्त, लखनऊ गोरखपुर बदायूं में महिला पीएसी बटालियन, यूपी पीएससी 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप, 100 टॉपर एससी एसटी छात्राओं को लैपटॉप, महिलाओं के लिए सेफ सिटी योजना, महिला सुरक्षा के लिए 720 करोड़ रुपए, मिशन शक्ति के लिए 20 करोड़ रुपए, महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख, एमएसएमई में कौशल विकास के लिए 20 करोड़। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने महिलाओं के हित में बताया कि प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ बनाने रखने के लिए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई, जिससे महिलाओं को और सशक्त बनाया जा सके। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई, जिस पर ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है। इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई तत्काल की जा रही है। प्रदेश के जनपदों में 2740 महिला पुलिस कर्मियों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया है। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 3 महिला पीएससी बटालियन लखनऊ गोरखपुर तथा बदायूं का गठन किया जा रहा है। महिला उत्थान के लिए योगी सरकार पार्ट 2 के पहले बजट में महिलाओं के विकास और समृद्धि की बात की गई, जिससे प्रदेश में महिलाओं की खुशहाली और सुरक्षा पर फोकस किया गया है। यही वजह है कि इस बजट में महिलाओं की सुविधा व सम्मान का खास ध्यान रखा गया है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार, उत्तर प्रदेश के।